नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। देवरिया की सलेमपुर तहसील के अंतर्गत मझौली राज के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले नरूला ने बताया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बरसों से झोपड़ी डालकर अपनी छोटी सी जमीन पर 4 बच्चों और अपाहिज बीवी के साथ रह रहा हूँ। बहुत प्रयास के बाद आवास का कुछ पैसा मिला तो झोपड़ी हटाकर निर्माण कार्य कर रहे थे। हमारे बगलगीर सलाउद्दीन और चेयरमैन गौरीशंकर की मिली भगत से जो हमारे निर्माण कार्य को रोका गया व गिरा दिया गया। आजीवन खातूना ने बताया, चेयरमैन साहब से काफ़ी मिनती हमने की तो चेयरमैन बोले कि तुम्हारे पास नक्शा नहीं है, जबकि इसके अलावा जो भी आवास का मकान बना है किसी का भी कोई नक्शा नहीं है। तो वो बोले 20,000 दो तो तुम्हारा काम होगा। आजीवन खातूना ने बताया, चेयरमैन साहब से हमने काफ़ी विनती की लेकिन चेयरमैन साहब बोले कि तुम्हारे पास नक्शा नहीं है, जबकि इसके अलावा जो भी आवास का मकान बना है किसी का कोई नक्शा नहीं है। वो बोले कि 20,000 दो नहीं तो शाम को आओ, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। वार्ड नंबर 6 के ही रहने वाले सिराज आलम ने बताया, जो भी इन लोगों के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। एक तरफ तो योगी सरकार अपने प्रशासनिक व्यवस्था और घूसखोरी पर लगाम कस रही है तो दूसरी तरफ अधिकारी प्रशासन योगी सरकार के वादों को ताक पर रखकर अन्याय पर अन्याय कर रहे हैं। पुकारते हैं लोग बब्बन के नाम से, कोई पूछिए अगर बब्बन के नाम से पूछे तो नसरुल्ला का जो मकान तोड़ा गया है इसके बारे में आप बताइए कि कहाँ तक सच्चाई है। अच्छा, तो हमको जहाँ तक जानकारी है 49 से लेकर सब हमको जानकारी है जहाँ तक है। अभी तो नसरुल्ला बच्चा था तो अब की बात हम बतला रहे हैं। जी नसरुल्ला उनके, उनके साथ ये गलत हुआ है। हाँ, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, क्या था वहाँ पे पहले? पहले उनकी एक तरफ मरई थी, इधर इधर साइड में जी एक घोड़ी थी, निचले हाँ एक घोड़ी थी, उसको वहीं पर बांधते थे। तो गाय थी। हाँ, और उसके बगल में जो मकान कुआं बता रहे हैं, उसके बगल में मकान उधर रास्ता इधर है आगे, और उसके बाद जब्बार से उनके वो है साइड में जो कुआं है उसके बारे में बताइए। अच्छा, कुआं के बारे में, तो कुआं तो तमिलिया के यहीं की जमीन है, सार्वजनिक जगह है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जितने लोग यहाँ आवास से मकान बनाए हैं क्या वो नक्शे पे ही मकान बनाए हैं? नहीं, बिना नक्शा का बना हुआ है सारे मकान, बगैर नक्शे के। सारे मकान नक्शे के बने हैं, कोई सब राजा की जमीन है। जी जी, कितने लोग बसे हैं, सब राजा की जमीन बसे, खाली है, इसी पर से जमीन थोड़ी खरीदी गई है, यहीं की बिरादरी की, वही खरीद के लोग बना है, नहीं तो सब राजा की जमीन है। किसी का कोई नक्शा नहीं? कोई नहीं नक्शा, माने उसके साथ जो है ये जो है गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ है। नसरुल्ला जमीन खरीदी हुई है नेहरू की, आखिर में साहब थे, उनकी अम्मा से जमीन ली गई है। क्या उनकी और कोई जमीन हुई है कि यही है सिर्फ? बस यही है, यहाँ के नहीं है, पश्चिम महला के हैं, महबूब को जानते होंगे आप, महबूब के परिवार हैं, तो वहाँ जब उनकी अम्मा की शादी यहाँ कर ली तो मर गए। तो चेयरमैन साहब ने गलत किया है जो भी किया है। हाँ हाँ, चेयरमैन बहुत गलत किया है, तो हमको कहाँ कहीं खड़े करिएगा, हम खड़े रहेंगे, बहुत गलत किया है। हम आए थे वहाँ पर तो जो हमको कोई पूछबे नहीं किया, आप तो पूछ रहे, हमसे कोई पूछबे नहीं किया है। पूरे मझौली में जितना हजारों आवास आए लेकिन किसी का नक्शा पास नहीं, कोई नक्शा नहीं। बोलिए। हमारा मकान था पलानी था, वो जहाँ कितने दिन से था पलानी? 100 बरिस से, 50 बरिस से। अच्छा, मकान था पलानी था। हाँ, पलानी था। पैसा आपको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अथी से मिला वाला सा आवास, हम सोचनी हम बनवा ली, तब गरीब आदमी बनी से हमने के, बिना खेले खेले आदमी मुँह था हमने के, आगे पीछे हमने केहू नहीं के, मजदूरा आदमी बनी से हमने के, ना खेत ना बारी बा, उतना हमने के जमीन बा, हम तो सोचनी बनावा लेबे तो चेयरमैन साहब बैठ के अपने आदमी बोला के तुरवा दिले बरन, कोतवाल से आदमी बोला के और करा करा के कहलन, कहला बोला था 2 दिन के अंदर में उठा लेना, तो आप टोरेडिया के पास लेके चल जाएंगे ईटा।
आप पूछे हमने बोला शाम के आओ चाहे राति खान आओ, तू हमारा काम कर दो हम तुम्हारा काम कर देंगे। हम हमके डर के मारे केहू ना गई सन, दो आदमी रहनी सन, तो 20,000 रुपया दे लो, तुम आवास बनाई तुम करके हम पैसा दी। तो पैसा ना देने पे ना मिलने पे उन्होंने तोड़वा दिया। हाँ तोड़वा दे, बोला तो नोटिस दिखाइए। तो कितना इतना सारे लोग आवास बनल बा, नोटिस केहू से नखन मांगत रहन, नक्शा 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 केहू से नखन मांगत रहन। हमने से कहा नक्शा दिखाइए ना तो हम जमीन मकान तुरवा देंगे। तो हम बोलिए आवास के पैसा है, हम बिना खैले खैले मेरे मन हम खात नहीं की आवास के पैसा में, अब हम मकान तुरवा दे, हम कहाँ से भरेंगे प्रधानमंत्री के। अच्छा ये बताइए इसके अलावा और भी जमीन है आपके पास? कहीं नहीं है हमारे पास जमीन, एक भी तो जमीन नहीं, नहीं। कितने लोग का परिवार है आपके वहाँ? 17 आदमी पानी जमीन के परिवार। कोई काम करने वाला कोई नहीं, मजदूर आदमी है। काम लगेगा तो खाएंगे, नहीं काम लगेगा तो नहीं खाएंगे। बीमार भी रहता है? सब लोग बीमार है, विकलांग है, विकलांग आदमी है हम लोग। अच्छा एसडीएम साहब पास गए तो क्या कहा? एसडीएम साहब पास गए तो कतन कागज दे दो, आदमी को दे दो, कतन तिवारी जी को दे दीजिए, हम देख लेंगे कल। अच्छा अब चल जाओ घर, हम तब चले के घर है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। चौड़ा गया इसलिए, सामने देख के बताइए। हाँ चौड़ा गया इसलिए कि ये जो मकान बनी है ये कुएं पर बनी है जी, और इसके अंदर ये जो है दिखाई देता है यहाँ है सरकारी हैंड पाइप है, ये उधर वो एक दरवाजा खोले हैं, ये उधर से रास्ता मांग रहे थे हमारे जमीन से, हम इनको रास्ता नहीं दिए जी। ये आवास का पैसा मिला 1-1.5 लाख चेयरमैन को दे कर, चेयरमैन यहाँ बैठ कर इनका मकान बनवाए, उस पर हम उनसे आपत्ति किए कि चेयरमैन साहब ये क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन को रोक रहे हैं, कहते हैं कि इंटरलॉकिंग होगा, और आप बोले थे कि ये सब इंटरलॉकिंग कराएंगे, अब इस पर आप मकान बनवा रहे हैं और हमारी जमीन को कहते हैं कि इंटरलॉकिंग होगा, है ना। तो उसी पर वो नाराज हो गए, उसी पर हम जाकर SDM साहब के पास दरखास्त दिए, तो वो यहाँ आए तो बोले, जब हम इतना बोले तो वो बोले कि ठीक है तुम कागज ना दौड़ाते हो, दौड़ाते रहो हम देखेंगे। उसके बाद हम चुप हो गए। फिर जब ईंटा गिराए और ये बालू गिराए और जब फिर बनाने लगे सामने देखिए तो हाँ, तो वो हमारी बहू गई थी वहाँ दोनों, तो बोले कि या तो 20,000 रुपया दो और नहीं तो जब छुट्टी हो जाता है हमारे वर्कर का तो हमारे वहाँ आओ शाम को, है ना, और हमारा भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा। नसरुल्ला जी ये बताइए कि ये 20,000 रुपया किसने मांगा था आपसे? चेयरमैन ने मांगा था। चेयरमैन ने मांगा जी। किससे मांगा? आपके बहू से? बहू से। अच्छा हाँ। और क्या बोला कि कब आना? शाम को आना, जब लेबरों को हमारा छुट्टी हो जाएगा उसके बाद तुम आना, हमारा भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अच्छा ये बोले थे वो। अच्छा चेयरमैन साहब जी। वो पैसा हम बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इतना ही पैसा है कि किसी तरह से इसको खड़ा कर दें, है ना। वो कहे कि ठीक है हम तुमको देखेंगे, वो गए और नोटिस भेजे और फट आकर तोड़वा दिए। नोटिस कब दिए उन्होंने? नोटिस दिए 6 तारीख को। तोड़ा कब? 6 तारीख को तोड़े, 3 बजे नोटिस भेजे और 4 बजे आकर तोड़ दिए। पुलिस लेकर 5 पुलिस थे।